This is a troubling report coming in from Mumbai. Remember, for the past 2 days, we've been talking about a suicide, a gruesome suicide of a 23-year-old doctor who killed herself at a state-run hospital in Mumbai. बाईस मई की रात जब ये देश लोकसभा के नतीजों का इंतजार कर रहा था, तब किसी को नहीं मालूम था कि पायल ताडावी नाम की एक 26 साल की लड़की खुदकुशी की योजना बना रही थी। हम लोग जिस पायल ताडवी के लिए यहाँ पर समर्थन में खड़े हैं और उनके न्याय मांगने के लिए यहाँ खड़े हैं, वो इंसिडेंट फिर से हम लोगों को ये याद दिलाता है कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आज भी जो जाति प्रथा है, जो एक कास्ट को लेके लोगों के मन में प्राइड है, वो अभी भी है और उसके ऊपर जो लड़ाई लड़ना चाहिए, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसको जारी रखना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर इस संदर्भ में कि जब फिर से 5 साल का भाजपा का सरकार आया है और वो सरकार ये बोलते हुए आया है कि हम लोग सारा जाति को तोड़ के इलेक्ट होकर आए हैं, वो ये बोल रहा है कि अब तो जात पात खत्म हो गया है, अब तो कोई अपने कास्ट के बारे में नहीं सोचता, तब उसी टाइम जब 23 को इलेक्शन की सेलिब्रेशन भाजपा के लोग कर रहे थे, उसी समय पे पायल ताडवी ने अपनी जान ली, उसी समय पे उनके साथ इतने समय से एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। ये इशू बेसिकली दिखाता है कि किस तरह यूनिवर्सिटी स्पेस में इंस्टीट्यूशनल मर्डर किस तरीके से रोहित वेमुला और उनसे पहले भी बहुत हुए और उसके बाद भी होते आ रहे हैं, और किस तरीके से ये हमारे एक सोसाइटी का फेलियर है कि हम इन इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स का वेट करते हैं कि एक समाज में हम इसके खिलाफ बोलें। लेकिन इसका जो मोटो है, इसका जो मेन ज़मीनी बात है, वो है कास्टिज्म। किस तरीके से जातिवाद आज भी इंस्टीट्यूशनल मर्डर में उतनी ही मजबूती से बात करता है जिस तरीके से वो पहले करता था। किस आज जो लोग कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है, आज भी रोहित वेमुला के हत्यारों को सजा नहीं मिली है। आज भी जिस तरीके से रोहित वेमुला, जिसमें स्मृति ईरानी जी का हाथ था, वो आज भी, क्योंकि जब कास्टिज्म के नाम पर जब भी आपके साथ इंस्टीट्यूशन मर्डर होता है या फिर कम्युनल हेट्रेड होता है, जो कि आज देश में हेट्रेड का पूरा माहौल है, उसमें जब किसी को सजा ही नहीं मिलेगा तो उसे एक डर नहीं रहेगा कि आप वो गलत कर रहा है। ये जो देश 70 साल बाद आज़ादी की जहाँ खड़ा है, बहुत अहम मोड़ पर है। जो सियासी तौर पर अभी एक जीत हुई है, उसमें भी एक नारा आप देख रहे होंगे कि वो ये कहा जा रहा है कि अब जाति खत्म हो गई और विकास के नाम पर वोट दिया जा रहा है। ऐसे समय में इस मुल्क को सोचना होगा कि चुनाव के समय भी, जब गुजरात में कुछ महिलाएं ही एक दलित व्यक्ति की बारात न जा सके इसके लिए सड़क पर बैठकर हवन करने लगी और दूल्हे को घोड़े से उतार कर मारे जाने की घटनाएं अभी भी चल रही हैं, दूसरी तरफ ये पायल जैसी घटना जो वाकई ये दर्शाती है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जहां सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिनसे अपेक्षा ये होती है कि वो जाति धर्म इस तरह के जो विभाजन है इसको बारीकी से समझेंगे, और वो लोग तो जाति उन्मूलन की तरफ कुछ नया सोचेंगे, लेकिन आज जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर भी ये सवाल है कि उन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन इस हद तक बढ़ गया है कि लोगों को आत्महत्या करने तक का कदम उठाना पड़ रहा है, जो कि मैं तो पहले इसकी निंदा करूंगा कि ऐसा नहीं उठाना चाहिए था। हमें संघर्ष करना, सदियों से जाति व्यवस्था के खिलाफ हमारी पीढ़ियाँ संघर्ष करती आई हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में फिर भी संघर्ष किया, काश ये संघर्ष जारी रहता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क को सोचना होगा कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो उनको इतने हद तक तोड़ देती हैं कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है। ये देश, ये मुल्क महज चंद सवर्णों और चंद ब्राह्मणवादी लोगों का होगा? क्या ये देश उन आदिवासियों का नहीं है? क्या वो आदिवासी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या वो पिछड़े दलित तबके का लोग जो बड़े संघर्षों से यूनिवर्सिटी में पहुंच रहा है, अपना स्पेस बना रहा है, क्या वो अपनी प्रतिभा से यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकता? अब कौन सा मुल्क बनाना चाह रहे हैं? ये पूरी संस्था, ये एक जुडिशरी को चैलेंज है, ये आपके एग्जीक्यूटिव को चैलेंज है और आपके एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज है। आपको नहीं लगता कि एक हायर एजुकेशन की डॉक्टर लड़कियाँ अपने कलीग के साथ ऐसे व्यवहार कर रही हैं तो आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक है क्या?
जो लोग पढ़ लिख गए उनका जो जातिवाद का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। गांव में तो हम लोग देख सकते हैं कि एक दूसरे से आप टच नहीं हो रहे हैं। यहाँ टच होने का मसला नहीं है, यहाँ आपकी मेरिट को क्वेश्चन किया जाएगा, यहाँ आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएंगी कि ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छे से अपना काम कर पाएँ या अच्छे से कोई भी अपना जो जॉब है वो अच्छे से फंक्शन कर पाएँ। तो इसमें अगर हम देखें तो ये इंस्टीट्यूशंस में, तमाम इंस्टीट्यूशंस में ये मसला देखने को मिलता है, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे तमाम जो सोशल साइंस और बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हो। मेरे पास ये रिपोर्ट है, एक्चुअली ये प्रोफेसर सुखदेव थोराट कमेटी की रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट एम्स में जो STSC के स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके साथ ये जब उनके अगेंस्ट में ये कमेटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म की थी उस रिपोर्ट का ये हिस्सा है, एम्स में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसको लेकर के। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि भाई 72% जो स्टूडेंट STSC से बिलोंग करते हैं उनको कभी न कभी जो है कास्ट बेस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है। देखो रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है, पहले तो ये सीटें भरते नहीं थे, अभी कुछ साल पहले अब सीटें भरने लग गए थे एम फिल PhD की, लेकिन जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद उनके साथ शोषण होता है, उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, उनको वो गाइडेंस नहीं मिलता, उन्हें सुपरविज़न नहीं मिलता है। अगर वो कोई पेपर प्रेजेंट करना चाहते तो उनकी एप्लीकेशन साइन नहीं होती है टाइम पे, उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है टाइम पे, रिइंबर्समेंट नहीं होता है उनका, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट प्रताड़ित होते हैं, बड़ी मुश्किल से वो MPhil PhD कर पाते हैं और उसके बाद नौकरियाँ नहीं मिलती। 70 सालों में ST OBC का बैकलॉग पूरा खाली पड़ा है, देखेंगे कुछ एक सीटें भरी गई हैं लोअर ग्रेड की, अब असिस्टेंट प्रोफेसर तो एसोसिएट नहीं है और प्रोफेसर नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये विश्वविद्यालयों में आजकल पहले अंगूठे कटते थे, आज नंबर कटते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में जो मॉडर्न द्रोणाचार्य जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आज भी रूप बदल गया, जातिवाद आज भी है, एग्जिस्ट करता है कैपिटलिज्म में और आज के तथाकथित आधुनिक दुनिया में, आधुनिक भारत में जातिवाद अलग अलग रूपों में एग्जिस्ट करता है। Justice, justice, justice.